हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप? 6 जून 1982 को लिबनान के मकबूल तरीन शायर खलील हावी ने बैरूत में अपने घर की बालकनी में खड़े होकर आखिरी बार अपने शहर की तरफ देखा। फिर उसने अपनी शिकारी राइफल की नाल अपने सर से लगाई और ट्रिगर दबा दिया। एक धमाका हुआ और ये शायर मर गया, और इसके साथ ही वो बैरूत भी मर गया जिसे अपने लाइफस्टाइल के मुताबिक ये शायर दुनिया में जन्नत कहा करता था। वो अपने पीछे एक ऐसा लिबनान छोड़कर जा रहा था जहां अब ख्वातीन को पर्दा करने के लिए डॉलर्स मिलना थे, खुदकुश हमले ईजाद होना थे और हिजबुल्ला ने जन्म लेना था। खलील हावी ने खुदकुशी क्यों की? इस खुदकुशी की दोस्तों फौरी वजह तो ये थी कि उस सुबह सैकड़ों इसराइली मरकावा टैंक्स ने लिबनान पर हमला कर दिया था। ये हमला 63 साल खलील हावी के हसास दिलो दिमाग के लिए बहुत बड़ा झटका था। खलील हावी अरब नेशनलिज्म के कायल थे और तमाम अरब मुल्कों को एक मुश्तरका दुश्मन जैसे कि इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद देखना चाहते थे। लेकिन जब इसराइल उनके मुल्क पर चढ़ दौड़ा और कोई बड़ा अरब मुल्क इस हमले को रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ा तो खलील हावी अंदर से टूट गए। उन्होंने अपने साथियों से कहा, अरब लीडर्स कहाँ हैं? मैं अपने माथे पर मली हुई शर्मिंदगी की ये कालक कैसे धोऊं? ये अल्फाज इस लिबनानी शायर और दानिश्वर के आखिरी अल्फाज थे। लेकिन खलील हावी के खुदकुशी करने की वजह दोस्तों सिर्फ यही नहीं थी। इस खुदकुशी की असल वजह यह थी कि मुस्लिम दुनिया में जो तब्दीलियां आ रही थीं वो अब लिबनान में भी दाखिल हो चुकी थीं। इन तब्दीलियों ने लिबनान को एक आर्ट लविंग सोसाइटी, फ़नून से मोहब्बत करने वाले मुआशरे से ट्रांसफॉर्म करके एक मिलिटेंट, एक झगड़ालू अस्करी मुआशरे में ढाल दिया था। हालांकि लिबनान ज़मानों से एक पुरअमन जगह थी, हत्ता कि इसराइल और अरब की जंगों से भी इसका कुछ लेना देना माजी में नहीं था, वो तकरीबन हर बार गैर जानिबदार ही रहा। हाँ, लिबनान ने 1948 की अरब इसराइल जंग में थोड़ी सी मुदाखलत ज़रूर की थी, लेकिन इसके बाद से उसने किसी जंग में कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं किया, वो गैर जानिबदार और पुरअमन रहा। लिबनानी मुआशरे के पुरअमन रहने और दूसरों की जंगों में ना पड़ने की आदत ने लिबनान को दुनिया भर के शायरों और दानिश्वरों के लिए एक आइडियल जगह बना दिया था। ख़ास तौर पर इसका मरकज़ी साहली शहर बैरूत तो दानिश्वरों की जन्नत था, क्योंकि बैरूत में कोई सेंसरशिप थी ही नहीं, हर किसी को अपनी बात कहने की आज़ादी थी। अब उस दौर में, यानी 60s और 70s के दौर में, तो आप जानते हैं कि दुनिया के बहुत से मुल्कों में मिलिट्री डिक्टेटर्स राज कर रहे थे। पाकिस्तान में जनरल अयूब थे, फिर जनरल ज़िया आए, चिल्ली में पिनोशे की हुकूमत थी, फिलिपाइन में फ्रेडरिक मार्कोस हुकूमत कर रहे थे। तो इन लोगों के दौर में, इन डिक्टेटर्स के दौर में आज़ादी इजहार पर तरह तरह की पाबंदियां थी उनके यहाँ। तो ऐसे में बैरूत जो था, ये सियासी बागियों, रूमानवी शायरों और नई सोच के दानिश्वरों के लिए एक सहरा में नखलिस्तान जैसा इलाका बन चुका था। हालांकि लिबनान में उन दिनों 70 की दहाई में खाना जंगी वाली सूरत हाल थी, लेकिन बैरूत में फिर भी बड़ी हद तक अमन ही रहता था। यही वजह थी कि अरब नेशनलिज्म और कम्युनिज्म के हामी शायर और दानिश्वर दुनिया भर से बैरूत पहुंच रहे थे। उनमें पाकिस्तानी शायर फैज़ अहमद फैज़ भी शामिल थे, जो कम्युनिस्ट नज़रियात रखते थे। उन्हें 1978 में इस वजह से पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था क्योंकि यहाँ जनरल ज़ियाउल हक की आमरियत थी, जो कि कम्युनिज्म के ख़िलाफ़ तो अमेरिका से इत्तेहाद करके अफ़गानिस्तान में एक जंग शुरू कर चुके थे, इसलिए वो कम्युनिस्टों के बहुत सख्त खिलाफ थे। फैज़ अहमद फैज़ ने बैरूत मुंतकिल होकर वहाँ नोटिस के नाम से एक मैगज़ीन निकालना शुरू कर दिया था, जिसे सोवियत रूस, मिस्र और ईस्ट जर्मनी से फंडिंग मिलती थी। फैज़ अहमद फैज़ ही की तरह और भी बहुत से गैर मुल्की शायर और अदीब बैरूत में आकर डेरे जमा चुके थे। बैरूत की हमरा और फोनीशिया स्ट्रीट्स के कैफेटेरियाज और रेस्टोरेंट्स इन्हीं लोगों के दम से आबाद थे, रौनक लगी रहती थी वहाँ। फैज़ अहमद फैज़ और खलील हावी जैसे लोगों को बैरूत से अब मोहब्बत हो गई थी, इश्क था। लेकिन फिर हालात ने कुछ यूँ पलटा खाया कि जो शायर बैरूत से इश्क रखते थे, उनकी आंखों के सामने ये शहर अपनी तारीखी शक्ल खोने लगा,
मट्टी में मिलने लगा। दोस्तों आप जानते हैं कि लिबनान एक छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी आज भी 50-60 लाख से ज़्यादा नहीं है। 1979 में जब ईरान में इस्लामी इनकलाब आया तो लिबनान की आबादी इससे भी आज की आबादी से भी आधी थी, यानी तकरीबन 25 या 30 लाख ये आबादी थी जो तीन बड़े ग्रुप्स में दरअसल तकसीम थी, शिया ग्रुप, सुन्नी ग्रुप और मसीही। मसीही अरब जो थे, अरब तो थे वो, तो वो सबसे कम थे, लेकिन शिया और सुन्नी दोनों मेजॉरिटी में थे और इनकी तादाद तकरीबन बराबर थी। तो ये तीनों ग्रुप्स जो थे ये लिबनान पर कंट्रोल के लिए 70s में आपस में लड़ रहे थे और ये एक हल्की फुल्की खाना जंगी की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी इनकी लड़ाइयाँ, जिससे मुल्क में कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो चुका था। इसका नतीजा ये निकला कि लिबनान में कुछ बैरूनी ताकतों को कदम जमाने का इस वजह से मौका मिल गया। इनमें एक ताकत थी यासर अराफात की पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन या PLO जिसे कहा जाता है। तो माई क्यूरियस फेलोज, PLO 1979 तक लिबनान को नहीं बल्कि उर्दन को अपनी बेस बनाकर इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही थी और अपने छीने हुए घर वापस लेने की कोशिश कर रही थी। लेकिन 1970 में ये हुआ कि PLO को उर्दन से निकलना पड़ा और इसकी वजह थी एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर जो बाद में जनरल भी बने, ज़ियाउल हक। ये पाकिस्तानी ब्रिगेडियर उन दिनों यानी 1970 में उर्दन की फ़ौज को ट्रेनिंग देने के लिए आए हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि सितंबर 1970 में ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक ने उर्दन की हुकूमत की दरख्वास्त पर, यानी शाह हुसैन की दरख्वास्त पर, उर्दन की फ़ौज की कमान संभाल ली थी। उन दिनों उर्दन की फ़ौज और फ़लस्तीनियों में झड़पें जारी थीं, तो ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक ने मुबैना तौर पर उर्दन की फ़ौज को लीड किया और यासर अराफात की PLO जो उर्दन की फ़ौज से लड़ रही थी उसे शिकस्त दी। इस सारी कार्रवाई को ब्लैक सितंबर या स्याह सितंबर के नाम से याद किया जाता है और इसमें 20,000 से 30,000 फ़लस्तीनी कत्ल हुए थे। इस पर उस वक्त के इसराइली वज़ीर दिफा मोशे दयान ने एक बयान दिया कि उर्दन के शाह हुसैन ने 11 दिन में जितने फ़लस्तीनियों को कत्ल करवाया है उतने तो फ़लस्तीनियों को इसराइल 20 साल में भी नहीं मार सकता था। लेकिन दोस्तों ब्लैक सितंबर के हवाले से तारीख़ का एक और वर्यन भी है। कहा जाता है कि ज़ियाउल हक ने फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की थी बल्कि इस मामले में उनका नाम एक गलत फहमी की वजह से आ गया था। वो गलत फहमी ये थी कि जिन दिनों ब्लैक सितंबर चल रहा था उन्हीं दिनों शामी फ़ौज के 250 टैंक्स भी फ़लस्तीनियों की सपोर्ट के लिए उर्दन में दाखिल हो रहे थे। उर्दन के हुक्मरान अल हुसैन बिन तलाल ने इस हमले को रोकने के लिए अमेरिका और इसराइल से मदद मांगी। इसके साथ उन्होंने एक और काम ये किया कि ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक से दरख्वास्त की कि वो उर्दन की 3rd आर्म डिवीज़न की कमान संभाल कर शामियों का मुकाबला करें। ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में जनरल याहिया ख़ान की हुकूमत से इजाज़त लेकर कमान संभाल ली। इससे पहले कि वो कोई कार्रवाई करते शामी फ़ौज इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से उर्दन से वापस चली गई। यूँ ज़ियाउल हक ने उर्दन में किसी फ़ौजी कार्रवाई में मुबैना तौर पर हिस्सा नहीं लिया, लेकिन चूंकि उन्होंने ब्लैक सितंबर के दौरान ही उर्दन की फ़ौज की या एक हिस्से की कमान संभाली थी इसलिए ये समझ लिया गया कि शायद उन्होंने फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई में हिस्सा लिया था जिसमें हज़ारों फ़लस्तीनी जान बहक हुए। यानी ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ एक साजिशी थ्योरी या एक मफरूज़ा उस वक्त बन गया जो आज तक कायम है। बहरहाल तारीख के दोस्तों ये दोनों वर्जन हैं और हमने आपके सामने रख दिए हैं। अब ये खूनी कार्रवाई ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक ने की हो या किसी और ने, लेकिन इतनी बात तो बहरहाल हकीकत थी कि ब्लैक सितंबर हुआ था और इसमें उर्दन के हाथों हज़ारों फ़लस्तीनियों की जानें भी गई थी। इस कार्रवाई के नतीजे में यासर अराफात और उनकी तंजीम ने उर्दन छोड़ दिया और लिबनान को अपनी बेस बना लिया था। अब देखिए कि लिबनान अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से कमज़ोर हो रहा था, इसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो उर्दन की तरह PLO से जंग कर सकता। यही वजह थी कि PLO को यहाँ पर लिबनान में कदम जमाने का मौका मिल गया था। चंद ही बरस के अंदर PLO ने जनूबी लिबनान में इसराइली सरहद के साथ बड़े पैमाने पर अपने अड्डे और ट्रेनिंग कैंप्स भी बना लिए थे।
तो दोस्तों यही वो ट्रेनिंग कैंप्स थे जहां ईरान के इनकलाबियों ने खुमैनी आयतुल्ला खुमैनी के जानसारों ने भी पीएलओ से ट्रेनिंग ली थी और इसीलिए यासर अराफात समझते थे कि ईरान में इनकलाब उनकी वजह से आया है। लेकिन हम आपको वीलॉग 12 और 13 में बता चुके हैं कि ईरान में इनकलाब के बाद आयतुल्ला खुमैनी और यासर अराफात में इख्तलाफात भी पैदा हो गए थे। वजह साफ थी, आयतुल्ला खुमैनी फ़लस्तीन की जदोजहद आज़ादी को ख़ुद लीड करना चाहते थे और एक इस्लामी जहाद के स्टाइल में लीड करना चाहते थे, जबकि यासिर अराफात एक अरब सेकुलर कौम परस्त लीडर थे, वो अपने स्टाइल से लड़ रहे थे, इसलिए दोनों की बन नहीं सकी, जिसके बाद ईरानी हुकूमत और पीएलओ के दरमियान एक सर्द जंग शुरू हो गई थी। ये सर्द जंग इस बारे में थी कि इसराइल मुखालिफ बयानिए नैरेटिव पर किसका कॉपीराइट होगा, पीएलओ का, फलस्तीनियों का या ईरान के आयतुल्ला खुमैनी का। इस सर्द जंग ने ईरानी हुकूमत को मजबूर किया कि वो लिबनान में ऐसे अब इत्तेहादी ढूंढे जो उसके वफादार और लॉयल रह सकें, क्योंकि पीएलओ तो अब उनके साथ नहीं थी। ये वफादार इत्तेहादी लिबनान में दोस्तों पहले से मौजूद थे और ये थे लिबनान के अहले तशई, जो मजहबी कुर्बत के अलावा ईरानी इनकलाब से भी अब बहुत मुतासिर थे। तो अब ईरानी हुकूमत ने यह मंसूबा बनाया कि लिबनान की शिया आबादी को साथ मिलाकर एक ऐसी ताकतवर तंजीम कायम की जाए जो पीएलओ का मुतबादल हो सके। इस तंजीम के जरिए ईरान इसराइल के खिलाफ इस्लामी दुनिया में जो मुजाहमत जारी थी उसे लीड करना चाहता था और कर सकता था। ईरान में इनकलाब 1979 में आया था और उसी वक्त से ईरानी इनकलाबी लीडर्स ने लिबनान में कदम जमाने की, इनकलाब एक्सपोर्ट करने की कोशिशें भी शुरू कर दी थी। तो इस सिलसिले में दिसंबर 79 में 300 ईरानी रजाकारों के ग्रुप ने हवाई जहाज़ के ज़रिए लिबनान में दाखिल होने की प्लानिंग की। ये रजाकार तेहरान के एयरपोर्ट पर जमा हो गए और ये नारे लगाने लगे कि आज ईरान लिया है, यानी इनकलाब लेके आए हैं यहाँ, कल फलस्तीन लेंगे। वो लिबनान जाने के लिए ये नौजवान बहुत पुरजोश थे, हालांकि इनमें से अक्सर के पास वैलिड पासपोर्ट्स तक नहीं थे। जब लिबनानी हुकूमत तक ये खबरें पहुँचीं कि ईरान से इनकलाबी रजाकार लिबनान में दाखिल होने के लिए तैयार बैठे हैं, तो लिबनानी हुकाम घबरा गए। लिबनानी हुकूमत ने फौरी तौर पर एक तो ये किया कि अपनी एयर स्पेस को ईरानी तैयारों के लिए बंद कर दिया, दूसरा काम ये किया कि शाम की हुकूमत से राबता करके उनसे दरख्वास्त की, क्योंकि शाम लिबनान के बिल्कुल हमसाए में मशरिक में है, कि वो किसी ईरानी रजाकार को अपनी सरजमीन से लिबनान में दाखिल ना होने दें। लिबनानी हुकूमत को खौफ था कि अगर ईरानी रजाकार लिबनान पहुँच गए तो इससे इसराइल प्रोवोक होगा, मुश्तैल होगा और वो लिबनान पर हमला कर देगा। तो इस तरह ईरान ने लिबनान में ईरान की मुदाखलत की ये पहली कोशिश नाकाम कर दी, मगर ये आखिरी कोशिश नहीं थी। ईरान को एक मौके की तलाश थी और ये मौका उसे मिला 6 जून 1982 को। ये वही दिन था जब इसराइली टैंक्स लिबनान में दाखिल हुए थे और शायर खलील हावी ने अरबों की बेरुखी पर खुदकुशी कर ली थी। तो दोस्तों 6 जून 1982 को इसराइल ने पीएलओ को लिबनान से निकालने के लिए पूरी ताकत से चढ़ाई कर दी। सैकड़ों इसराइली मरकावा टैंक्स लिबनान में दाखिल हुए और बैरूत की तरफ बढ़ने लगे। इसराइल के इस खौफनाक हमले ने बैरूत के अंदर अमन और आज़ादी की इस फिज़ा को तबाह कर दिया जो शायरों को बहुत पसंद थी और जिसकी वजह से वो बैरूत से इश्क करते थे। खलील हावी की तरह फैज़ अहमद फैज़ को भी इसराइली हमले से सख्त मायूसी हुई थी, लेकिन उन्होंने राइफल की जगह कलम उठाया। बैरूत की तबाही पर करबलाए बैरूत के नाम से एक नौहा लिखा और बैरूत छोड़कर वो पाकिस्तान चले आए। उन्होंने लिखा, बैरूत निगारे बज़्म जहां जो चेहरे लहू के अकाज़े की जीनत से सिवा पुरनूर हुए, अब उनके रंगी परतों से इस शहर की गलियां रोशन हैं और ताबा है अर्ज़े लिबना बैरूत निगारे बज़्मे जहां। लेकिन दोस्तों इसराइली हमला सिर्फ शायरों और दानिश्वरों पर ही बिजली बनकर नहीं गिरा, बल्कि लिबनान की मुआशरत को भी हमेशा के लिए बदल गया।
जो लिबनानी अपने मुल्क को अरब नेशनलिज्म यानी अरब कौम परस्ती के साए में एक पुरम सेकुलर मुल्क बनाना चाहते थे, उन लोगों को यासर अराफात की पीएलओ से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि पीएलओ के लोग भी सेकुलर थे, टाई कोट पहनते थे और मजहबी तौर पर सख्त गिर नहीं थे। ख्वातीन भी उनके कैंप्स में शाना बशाना काम करती थी। यही वजह थी कि लिबनान के कौम परस्त ग्रुप्स और हत्ता के कम्युनिस्ट भी पीएलओ को पसंद करते थे, उनके कैंप्स में जंगी ट्रेनिंग्स हासिल करते थे, बल्कि उनके साथ मिलकर इसराइल पर हमले भी किया करते थे। तो दोस्तों, इसराइल ने 1982 में लिबनान पर धावा बोलकर इस मुल्क में मौजूद सबसे ताकतवर मुसल्ला सेकुलर ग्रुप यानी पीएलओ को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसराइली फ़ौज ने बैरूत को घेरे में ले लिया और इस पर शदीद बमबारी शुरू कर दी। ये मुहासरा चंद माह कायम रहा। इसके बाद आखिरकार यासर अराफात और पीएलओ का वही अंजाम हुआ जो उर्दन में उनका हो चुका था, यानी उन्हें अब लिबनान से भी देश निकाला मिल गया। यासर अराफात अपने हज़ारों साथियों के साथ उर्दन से निकले थे, अब वो लिबनान से निकले और मेडिटेरेनियन सी क्रॉस करके उसके पार अफ्रीकी मुल्क ट्यूनस चले गए। अब लिबनान में एक जंगी ताकत का खला पैदा हो गया था उनके चले जाने से। इसराइल ने तो ज़ाहिर है वहाँ हमेशा नहीं रहना था, उसने चले जाना था। इस खला को पुर किया दोस्तों जानते हैं किसने? आयतुल्ला खुमैनी के नए इनकलाबी ईरान ने। लिबनान पर इसराइली हमला शुरू होने के 6 रोज़ बाद लिबनान के मशरक में शाम के शहर दमिश्क के एयरपोर्ट पर एक तैयारा उतरा। इस तैयारे में ईरान के इनकलाबी गार्ड्स सवार थे और इनकी मंजिल लिबनान थी। इसके बाद एक एक करके कई तैयारों ने दमिश्क के एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। इन तैयारों के ज़रिए 5,000 इनकलाबी गार्ड्स दमिश्क पहुंचाए गए। इन गार्ड्स में दोस्तों छुरेरे बदन का एक स्मार्ट सा नौजवान भी शामिल था और इसका नाम महमूद अहमदी निजात था। जी हाँ, वही जो ईरान के फ्यूचर प्रेजिडेंट भी बने। ये इनकलाबी गार्ड्स शाम का बॉर्डर क्रॉस करके मशरकी लिबनान में दाखिल हो गए और इसकी मशहूर वादी अलबका के शहर बालबक को अपना मरकज़ बना लिया। ये इनकलाबी गार्ड्स कहने को तो रज़ाकार थे और इसराइल से लड़ने आए थे, लेकिन असल में इनका मकसद उस वक्त लड़ना नहीं था। ईरानी लीडर्स यासर अराफात से दोस्तों बहुत ज़्यादा होशियार थे। वो जानते थे कि अगर इसराइल से ब्राह रास्त लड़ाई की गई तो इसके नतीजे में इनकलाबी गार्ड्स को भी लिबनान से निकलना पड़ेगा। इसलिए ईरान ने तय किया था कि पहले वो लिबनानी मुआशरे को अपने नज़रिया इस्लाम के मुताबिक ढालेगा, यहाँ अपनी तर्ज का इस्लामी इनकलाब लेकर आएगा, फिर यहाँ के लोगों में जज्बा जहाद, जज्बा हुर्रियत पैदा करके उन्हें इसराइल के मुकाबले में खड़ा करेगा। ईरान एक ऐसी तंजीम बनाना चाहता था लिबनान में जो अपने ओन पर, अपने बलबोते पर सरवाइव करे और इसमें ईरान का बराह रास्त बज़ाहिर किरदार सामने ना आए। इसी सोच के तहत इनकलाबी गार्ड्स को शाम के रास्ते लिबनान में दाखिल कर दिया गया। इस मिशन में दमिश्क में ईरानी सफ़ीर अली अकबर महतशमी भी इनकलाबी गार्ड्स की भरपूर मदद कर रहे थे। ये लिबनान की वादी अलबका में काफ़ी वक्त गुजार चुके थे और लिबनान में फलस्तीनी ट्रेनिंग कैंप्स में तरबियत भी ले चुके थे, इसलिए वो लिबनान की सरजमीन को बहुत अच्छी तरह समझते थे और उन्हीं की रहनुमाई में इनकलाबी गार्ड्स ने वादी अलबका में बालबक को अपना पहला मरकज़ बना लिया था। जब बैरूत में इसराइल और पीएलओ की लड़ाई आखिरी मराहल में थी तो ये इनकलाबी गार्ड्स बैरूत से कोई 100 किलोमीटर के फासले पर लिबनानी मुआशरे को ट्रांसफॉर्म करने और इनकलाब लाने के लिए एक सॉलिड बेस, ठोस बुनियाद बनाने में मसरूफ़ थे। लिबनान को बदलने का आगाज़ उन्होंने बालबक को बदलने से करना था, ताकि इस इलाके की मिसाल पर बाकी लिबनान को रफ्ता रफ्ता स्टेप बाई स्टेप बदला जाए। तो दोस्तों, बालबक में एक रात ऐसी आई, उसी में सब एक ड्रामाई अंदाज से बदल गए, ऐसे कि जैसे किसी ने छू मंतर कहकर मंजर ही बदल दिया हो। जब बालबक के शहरी उठे तो उन्होंने देखा कि उनका कस्बा रात रात में तब्दील हो चुका था। कस्बे की दीवारों पर आयतुल्ला खुमैनी के पोस्टर्स लगे हुए थे, छतों पर ईरानी परचम लहरा रहे थे, कस्बे में गाड़ियां फराटे भरती फिर रही थी और उन पर लगे लाउड स्पीकर से
आयतुल्लाह खुमैनी के पैगामात और इनकलाब के हक में प्रोपेगेंडा मैसेजेस और तराने नशर हो रहे थे। लोग अभी यही सब कुछ हैरत से देख रहे थे कि उन्हें पहली बार एक मजहबी हुक्म दिया गया। उन्हें उन्हीं लोगों ने जो गाड़ियों पर असला पकड़े घूम फिर रहे थे हुक्म दिया कि आज से बालबेक की कोई औरत पर्दे के बगैर घर से नहीं निकलेगी। इसके साथ ही ईरानी स्टाइल की चादरें और स्कार्फ पूरे कस्बे में फैला दिए गए। पर्दे के लिए खौफ के साथ लोगों को लालच भी दिया जा रहा था उनकी तरफ से। कहते हैं कि इनकलाबी गार्ड्स इलाके की हर फैमिली को 100 से $150 देते थे ताकि वो अपनी ख्वातीन को पर्दा करवा सकें। तो इस तरीके से यानी कुछ लालच, कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती और कुछ अपने नज़रियात के प्रचार के ज़रिए इनकलाबी गार्ड्स, ईरानी इनकलाबी गार्ड्स बालबेक को बदलने में कामयाब हो गए। ये कस्बा इस हद तक प्रो ईरान हो गया कि कुछ ही अरसे में इसे छोटा तहरान, मिनी तहरान कहा जाने लगा। बालबेक के बाद अब इस तर्ज पर वादी उल बका के बाकी इलाके भी बदलने लगे और जल्द ही लिबनान के एक बड़े हिस्से पर इनकलाबी गार्ड्स और उनके हामियों का असर और सूख कायम हो गया। इनकलाबी गार्ड्स ने अपने कंट्रोल वाले इलाकों में अपनी तर्ज का इस्लाम नाफिज करने के बाद दूसरा कदम उठाया और लोगों को इसराइल के खिलाफ जहाद की तरगीब देने लगे। लाउड स्पीकर्स के जरिए जगह जगह तकारीर की जाने लगी। जहाद से मुतल्लिक लिटरेचर तकसीम किया गया। ईरान से ख़ास तौर पर उलमाए कराम बुलाए गए जो लिबनानी उलमा को इस बात की तरबियत देते थे कि कैसे वाकए करबला को बयान करके अवाम में जहाद का जोश व जज्बा पैदा करना है। रफ्ता रफ्ता इनकलाबी गार्ड्स की कोशिशें रंग लाने लगीं। लिबनानी नौजवान जो ईरानी इनकलाब से मुतासिर थे वो जहाद की तरफ रागिब होने लगे। इनकलाबी गार्ड्स ने वादी उल बका में ट्रेनिंग कैंप्स कायम कर लिए जहां नौजवानों को जदीद हथियारों की ट्रेनिंग दी जाने लगी। इन्हें क्लैशनकोफ चलाना, कैमोफ्लाज यानी खुद को छुपाकर दुश्मन पर हमले करना और दूसरी बहुत सी जंगी टेक्निक्स यहां पर सिखाई गई। इन ट्रेनिंग कैंप्स में नौजवानों को सिखाया जाता था कि इसराइल का मुकम्मल खात्मा ही उनकी जिंदगियों का असल मिशन है। यानी नौजवानों की जिंदगियों में अब उन्होंने एक पर्पस भी शामिल कर दिया था, जैसा कि आप मिस्र की तारीख में देख चुके हैं कि अनवर सादात के दौर में ये सब कुछ वहाँ जैसे हुआ था, अब ये यहाँ लिबनान में भी ये चीज़ें हो रही थी ईरानी गार्ड्स के ज़ेरे असर। अब देखिए कि ईरान और उसके हामियों ने PLO की जगह बड़ी कामयाबी से अब पुर कर दी थी। लिबनान के जिन इलाकों में पहले फलस्तीनियों के ट्रेनिंग कैंप्स थे, अब वहाँ इनकलाबी गार्ड्स ने अपने ट्रेनिंग कैंप्स खोल लिए थे। इन्हीं ट्रेनिंग कैंप्स से लिबनान की मौजूदा ताकतवर तंजीम हिजबुल्ला ने जन्म लिया। हिजबुल्ला मतलब खुदा की जमात या पार्टी। ये नाम भी ईरान ही से लिया गया था। ईरानी लीडर्स अवाम से खिताब करते हुए इन लोगों को खुदा की जमात कहा करते थे, इसलिए कुरान पाक की आयात का हवाला भी वो दिया करते थे जिसमें मोमिनीन को खुदा की जमात कहकर मुखातिब किया गया है। तो इसी लिहाज से ये नाम खुदा की जमात यानी हिजबुल्ला को लिबनानी तंजीम ने भी इख्तियार कर लिया। दोस्तों, हिजबुल्ला किस दिन कायम हुई इस बारे में यकीन से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हिजबुल्ला के कयाम को शुरू में बहुत खुफिया रखा गया था और 1985 से पहले तक इस तंजीम का कोई सरकारी वजूद नहीं था, ऑफिशियल वजूद नहीं था, लेकिन खुफिया तौर पर ही सही हिजबुल्ला मौजूद थी और इसराइल और इसके इत्तेहादी अमेरिका के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयों की प्लानिंग भी कर रही थी। हिजबुल्ला ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी के तय करदा मजहबी असूलों या फिका को भी कबूल कर लिया था, यानी आयतुल्ला खुमैनी को वो अपना रूहानी लीडर या इमाम भी मान चुके थे। PLO फलस्तीनी तंजीम जो लिबनान से जा चुकी थी, उसके लीडर यासर अराफात का दोस्तों किसी ज़माने में एक बॉडीगार्ड हुआ करता था। ये अब यहीं था लिबनान में, क्योंकि लिबनानी था, उसने हिजबुल्ला ज्वाइन कर ली थी, बल्कि अब ये हिजबुल्ला का कमांडर बन चुका था। ये नौजवान कौन था? इसने एक ऐसी तकनीक निकाली जिसने हिजबुल्ला को बहुत ताकतवर और ख़तरनाक तंजीम बना दिया। ये ऐसी तकनीक थी जो ईरान ने इराक के ख़िलाफ़ भी जंगों में इस्तेमाल की थी। ये तकनीक इतनी खौफनाक थी कि अगर ये जदीद तारीख का हिस्सा ना होती तो शायद बहुत से लोग इसे मानने से ही इनकार कर देते।
ये तकनीक क्या थी और यासर अराफात के साबिक गार्ड ने क्या अहम तरीन किरदार अदा किया। दोस्तों ये सब हम आपके साथ अगले वीलॉग में अब डिस्कस करेंगे। अगर आपने अब तक इस मुस्लिम वर्ल्ड की जदीद तारीख और अंदरूनी लड़ाइयों के पीछे छुपी हकीकी कहानियां जानना है तो दोस्तों इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ देखिए खाना काबा के मुहासरे का वाक्या क्या था और ये रही फैसल मस्जिद और शाह फैसल की कहानी।